तो उस दिन हो गया था, हमारे गृहस्थी के नियम हो गए थे। अब हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं इकाई अंग निकालना। इकाई अंग कैसे निकालते हैं, देखो आज हम आपको सिखाते हैं। इकाई अंक हमारे निकालने के लिए क्या होता है, उसमें कई बार ये पूछ दिया जाता है, तो संख्या हमारी दी गई होती है, जैसे संख्या हमारी दे दी उन्होंने 35 की घात 100, तो उसमें ये पूछते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या है, इसमें ये पूछ देते हैं। तो ये आप हल कैसे करेंगे, ये देखो हम आपको ट्रिक लेके आए, एकदम समझ में आएगी, बस ध्यान से समझें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें। तो आप हमारी पहली वीडियो होती है विभक्ति के नियम, आज हम सिखाते हैं आपको इकाई अंक निकालना। जैसे इकाई अंक हमारा कैसे होता है, संख्या उन्होंने दी गई होती है, अब इसमें क्या है, उन्होंने पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, इकाई से मतलब रखते हैं, ये क्या है हमारी, ये इकाई है संख्या, ये इकाई है, ना कि सबका गुणा करेंगे हम। इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इनका इकाई का इकाई में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी इकाई है, इकाई अंक ये रहा, एक ये इकाई अंक है इसका, ये इकाई अंक है इसका, और ये इकाई अंक है, तो इकाई में इकाई का गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, छप्पन सॉरी 5 चौकू 20, दूनी 40, अट्ठे कितने आए, 40 अट्ठे 320, 320, 320 में इकाई अंक क्या है, 0, तो इसमें आप 320 लगाएंगे और इकाई अंक 0 सही कर देंगे। ऑप्शन उसमें दिए ये होंगे, एक होगा इकाई अंक, ए में होगा 1, और बी में होगा 0, सी में होगा 2, और डी में होगा 3, तो कौन सा सही है इसमें, 0 वाला, 0 सही है, इकाई अंक क्या निकला, 0, तो 0 हो गया इसमें इकाई अंक, ठीक है। अब हम सिखाते हैं घात वाले, ये समझ में आ गया, अब हम सिखाते हैं आपको घात वाले। अगर हमारी वीडियो को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, और बेल आइकन की घंटे के बटन को जरूर दबा दें, ठीक है। अब हम सिखाते हैं आपको आगे, हमारे व्यक्ति के नियम पहले वाली वीडियो में हो गए हैं, अब हम आपको सिखाते हैं गणित, आपको ऐसे पढ़ा देंगे मैजिक में, गणित तो ऐसे समझो आप खेल की तरह पढ़ते हैं, कि हम गणित को खेल की तरह पढ़ते हैं, गणित के साथ खेलना सीखो, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं होता, बस गणित के साथ आप खेलना सीखो, थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम वेस्ट करो थोड़ा, और पढ़ाई की तरफ थोड़ा अधिक ध्यान दें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। और डेली हमारी क्लास लगती है, और डेली देखें, ठीक है, मिस ना करें हमारी क्लास को। अब हम आपको सिखाते हैं घात की, जैसे हमारी घात उन्होंने दी गई होती है, कभी कभी संख्या दे देते हैं, संख्या उन्होंने दे दी 31 37 753, क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या ऑप्शन उन्होंने दिए होंगे, एक, बी में दिया होगा 3, सी में दिया होगा 7, और डी में दिया होगा हमारा 9, ये दिए होंगे ऑप्शन। अब इसे हम हल आप कैसे करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे, इसका इसमें कितनी बार निकालेंगे ताकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, अब सिर्फ क्या उठाना है, घात, ध्यान रहे, ध्यान से देखना, घात को हमने क्या किया, घात को उठा ली। इसमें देखो हम ट्रिक लगाते हैं, कुछ भी घात हो, यहाँ पर कोई भी घात हो, संख्या से कोई मतलब नहीं, इसमें जो भी घात हो उसमें आप क्या करेंगे, घात में 4 का लगा दो भाग, हमेशा 4 का भाग लगा दो, यहाँ पे कोई भी घात हो तो 4 का भाग लगाने पर देखो क्या आता है हमारा, लगाओ घात, लगाओ भाग, लगाओ 4 एकम 4 4 3 4 2 32, 3 और फिर 4 2 32, कितने बचे, 1। इसमें हमारा देखो भाग देके देख लो, ऐसे नहीं समझ में आया ऐसे देके देख लो, 753 में भाग 4 का, अब इसमें आप देके देख लो, 3 5 4 2 32, 3 3 4 2 32, कितना बचा, 1, 1 बचा, ये हमारा जो 1 बचा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना कि इससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है हमारा शेष क्या बचा है, जो भी हमारा शेष बचे, अगर शेष नहीं बचता, जो भी हमारा शेष बचे तो वही इससे चढ़ा दो, 31
एस इसकी घात एक, ये हमारा एक शेष बचा ना, यही शेष वाला इसे घात पे लेके आना है। अब इसका वर्ग निकाल लो आप, वर्ग 31 37 * 2, 31 37, एक ही बार करना है, गुणा एक ही है, वर्ग होता दो दो तो लिखते हैं हम दो बार, तो 31 37 का वर्ग 31 37 से कम, 33 37 का क्या निकल रहा है का एन 7, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बताओ, आप बताओ कौन सा सही है इसमें, देखो सात कहाँ पर दिया, 1 3 7 ही मिल गया हमें, तो इसमें सी सही है। समझ में आया, घात कुछ भी हो उसमें आप क्या करना है, आपको लगाना है चार का भाग, घात में लगा दो चार का भाग, जो इतना भी जितनी भी बार जाए उतनी बार जाने दो, उसके बाद जो हमारा बच जाए, जो भी हमारा शेषफल बच जाए उसको हम लिख देते हैं घात के रूप में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आपको अगला अगली वाली दिखाते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं आपको। अगला एग्जाम्पल हमारा है 7 की घात 105 में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा, तो फिर वही करना है, कुछ नहीं करना है, 7 से कोई मतलब नहीं है, हमें लेना है क्या 105, 105 में हमें क्या करना है, लगाना है भाग का भाग, चार का भाग लगाना है, यहीं पे लगा लो या ऐसे ना लगा पाओ ऐसे लगा लो, तो 4 2 3 8 2 5 7 6 24 कितना बचा 1, तो 7 की घात 1, तो कितना आया 7 ही आया हमारा ऑप्शन, 7 ही आएगा घात इकाई अंक। अगर यहाँ पे हमारा एक नहीं बचता, यदि हमारा यहाँ पे दो बच जाता तो आप क्या करोगे, तो आपको 7 का वर्ग लिखना, यहाँ पे जो भी घात बचे जो भी शेष बचे हो यहाँ पे वर्ग के रूप में लिख देना है, ठीक है, और जो जितनी भी बार आए बस उतनी बार उसका गुणा करके और निकाल लेना है, ठीक है।